हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया एक DTS सेटअप बॉक्स। उसका प्रॉब्लम है जो ब्लिंकिंग फॉल्ट जो पूरी DTH प्रॉब्लम में एक ही होता है हर किसी भी DTH रिपेयरिंग के लिए। यही फॉल्टेज आते हैं किसी तो यही वोल्टेज का प्रमाण जो होता है जो LNB का वोल्टेज जो है 24 वोल्ट जो पूरी तरह से आते जाते इसी वजह से एक ब्लिंकिंग फॉल्ट की अलग अलग से प्रॉब्लम्स है। जैसे कि मेन कैपेसिटर जो 450 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड का रहता है वो चले जाने के बाद भी ऐसे ही होता है, और किसी और डिफरेंट के जो वोल्टेजेस है जैसे कि 3 वोल्टेज 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज 3.3 वोल्टेज न आने के बाद भी यही ब्लिंकिंग फॉल्ट जो है कंपलसरी आते जाते रहते हैं। तो यह एक्चुअली इसका जो फॉल्ट जो मैंने रेगुलर करा है तो इस डिश का जो यही फॉल्टेज कैपेसिटर जो चेंज कर दिया है। अब इस चेंज में कैपेसिटर का जो फॉल्टेज जो है ये 10 वोल्टेज 1000 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर चले जाने के बाद ही ऐसे फॉल्टेज आते रहते हैं। तो अब मैं 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो है वो 5 वोल्टेज 3.3 वोल्टेज 12-24 वोल्ट इसी काम के लिए ये कैपेसिटर जो है आते रहते हैं। तो अब देख पा रहे हो कि आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक सिल्वर कलर का कैपेसिटर जो है पावर सप्लाई की जगह पे यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर को 10 वोल्ट 1010 वोल्टेज माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है जो चेंज करने के बाद इसके वोल्टेज फर्स्ट वोल्टेज अभी जो वोल्टेज आ रहे हैं वो वोल्टेज है 3.3 की जगह पर 1 वोल्टेज जा रहा है 16 वोल्टेज रेंज के, और किसी और वोल्टेज को 5 वोल्टेज को मैं चेक कर चुका हूँ तो उसके उसी जगह पर आ रहे हैं 3 वोल्टेज जहाँ पे 5 वोल्टेज आना चाहिए था, और 12 वोल्टेज की जगह पर जो 12 वोल्टेज जो है उसी 12 वोल्टेज की जगह पर यही पर 12 वोल्टेज की जगह पर 10 वोल्टेज आ रहा है जो रेगुलरली 12 वोल्टेज चाहिए उससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा, और इसके 24 वोल्टेज की जगह पे 12, 14, 15, 16 तक वोल्टेज आ रहा है जहाँ पे 24 वोल्टेज हमें चाहिए था। तो अभी वोल्ट जो है सिर्फ एक ही माइक्रोफैराड का 3 वोल्टेज जो रेगुलेशन कैप्चर से नाम से पहचाना जा सकता है तो इसी कैप्चर जो जिसकी फॉल्ट आ रहा है तो मैं इसे फटाफट चेंज कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इसके वोल्टेज जो है रेगुलरली अब भी कितने आ रहे हैं और कितने आने चाहिए थे। तो कम से कम कितना चलता है जो देख लिया है, तो अभी चेंज कर लेता हूँ फटाफट और आपको दिखा देता हूँ ये डिश का जो फॉल्टेज है जो उसी तरह से आते रहते हैं। और इस ग्राहक ने मुझे यही कहा था कि आधे घंटे में बार बार ब्लिंकिंग करता है तो 1.5 घंटा चालू रखने के बाद ये पूरी तरह से रेगुलरली की तरह से चलता है। तो यही है टेक 10 वोल्टेज का कैपेसिटर रहता है जो चार्ज होने के बाद रेगुलरली काम करता है लेकिन 1 घंटे बाद। तो इसे फटाफट चेंज कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ कि डिच जो है पूरी तरह से वर्किंग कर रहा है या वोल्टेज उसमें कुछ बदलाव हो चुके हैं। तो अब पूरे को फॉलो कीजिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब ये कैपेसिटर जो है मैंने चेंज कर दिया है तो हम चेक कर लेंगे कि अब वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम सीरीज में लगाएंगे सीरीज करने के लिए, तो सीरीज में लगवा दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे LED जो है ग्लो कर चुका है। तो अब माइनस में माइनस में जो ग्राउंड लेंगे और अभी 600 के वोल्ट पे मैंने रखा है। तो अब यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह पे फिक्स 5 वोल्टेज जो है आ रहे हैं। अभी 24 वोल्ट की जगह पे देख रहे हो 22 वोल्ट पहले ही 1203 ही आ रहा था, अभी 12 वोल्ट की जगह पे 15 ही आ रहा है। मतलब एकदम ठीक ठाक से हो चुका है। 3.3 वोल्टेज जो है जहाँ पे 3 वोल्टेज जो आ रहे हैं। अब जैसे कि अपने इस फॉल्ट को एक फटाफट थोड़ी ही 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही
रेगुलरी कर दिया है तो आपके पास मल्टीमीटर हो या ना हो, तो आप सीधी तरह से इसे जो है इसका जो 1000 मतलब 10 वोल्टेज और 1000 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर जो रहता है, इसे आप सीधी तरह से अगर चेंज कर लोगे कि तो ये जो ब्लिंकिंग फॉल्ट जो किसी भी डीटीएच हो, कौन सा ही डीटीएच हो या किसी भी और पावर सप्लाई के जो वोल्टेजेस रहते हैं, वो वोल्टेजेस इसी तरह से निकाले जा सकते हैं और पूरी तरह से सक्सेसफुली भी होते हैं। और इस सक्सेसफुली में अगर इसमें डिफरेंट भी अगर कुछ और वोल्टेज की प्रॉब्लम्स आपको आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि इस फॉल्ट का सलूशन क्या है और क्या किया जा सकता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको इसी तरह से किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को मैं आपके पास ला सकूं और आपको बता सकते हैं इस फॉल्टेज के लिए क्या किया जाता है। इसमें इतने हार्ड वाले फॉल्टेज में लेके नहीं आता हूँ, ताकि आपको समझ में भी आनी चाहिए, इसलिए नॉर्मल नॉर्मल फॉल्ट ही लेके आता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय दोस्तों।